करते हैं, यहाँ ये फटे लगे हुए हैं, इस पे ऊपर अपने निशान नजर आ रहे हूँ, ठीक हो गया। फटे दोनों साइडों पे लगाने हैं, 3 इंच कम से कम मोटाई इसकी जो है ना उसकी आपने भराई करवानी है। उसके बाद ये सारी जिंदगी जो है ना आपके लैंडर जितनी इसमें ताकत है पर दूंगा, और ये कभी भी ये दराड़ नहीं पड़ेगी इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खातिन हजरात आप सबको मोहम्मद अशफाक का सलाम पहुँचे। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है, जो लोग मकान नए बना रहे हैं तो एक बहुत बड़ा मसला पेश आता है छत पे, जो आप हम पर्दा करते हैं, ये जो बाहर हम पर्दा करते हैं इसका एक बहुत ही बड़ा मसला है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि उसको हल कैसे किया जा सकता है। जो मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में इससे रिलेटेड जो भी वीडियो हम बनाएंगे वो आसानी आपको मिल सकेगी। अली भाई हमारे साथ मौजूद हैं, काफ़ी अरसा दराज से ये काम कर रहे हैं शटरंग का, तो ये शटरंग लगाते हैं, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट उसके बारे में हमें ये आगाह करेंगे कि उसको हम कैसे हल कर सकते हैं। हमने ख़ुद भी मकान बनाए हैं घर पर, उसमें भी ये मसला हमें दरपेश हुआ है, तो उसका हल आज जानते हैं अली भाई से। आपने देखा होगा कि जहाँ पे हमारा जो लेंटर डलता है उसके ऊपर हम पर्दा करते हैं, यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी दरार नज़र आती है स्क्रीन के इस साइड पे या इस साइड पे आपको वीडियो नज़र आ रही होगी, फ़ोटो उसमें ये दरार आपको नज़र आ रही होगी। वो क्यों पड़ती है उसके बारे में आज जानेंगे, उसका हल क्या है बताते हैं आपको अली भाई से मशवरा करके। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई कैसे हैं आप जी? अल्लाह का सेहत भी ठीक है आपकी? जी शुक्र अल्लाह का। हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि जब हम लेंटर डालते हैं जी, लेंटर डालने के बाद हम जो पर्दा करते हैं बाहर वाला जी, ये जो आपको नज़र आ रहा है ठीक है जी, इसमें जो दरार पड़ती है क्रैक डलता है उसकी वजह क्या है जी? उसकी वजह यही है कि जब भी किसी भी दोस्त के घर जो जब शटरिंग का काम होता है तो जिस दिन लेंटर की भराई होती है जी, उस टाइम ख़ास तौर पर जिस दिन भराई से एक दिन पहले जिस दिन ये सरिया बांधते हैं जी, उस दिन आपके घर का अगर ऐसे कॉर्नर का प्लाट है तो दोनों साइडों पर आपका शेड तो होगा ना, ठीक हो शेड के बाहर आपको कम से कम 2 से 3 फुट तक जो है ना सरिये वो तकरीबन आपकी शेड से बाहर होने चाहिए। ये सरिये जो है आप जब लेंटर डालेंगे आपने जो बाहर शेड निकाला हुआ है उससे वाफर आपको 2 फुट सरिया जो है ये ज़्यादा निकालना होगा। 2 से 3 फुट तक तकरीबन ये होना चाहिए आपका, ठीक हो गया। इससे ये होगा कि ये देखो अब इसको आप जो मर्जी कर लें इसको, ठीक हो गया, इसको जैसे मर्जी करें जो मर्जी करें ये हिलेगी नहीं, पाटना तो बहुत दूर की बात है, ठीक हो गया। तो ये जो सरिये हैं तब सरिये वाले को आप बोल दें कि 2 से 3 फुट हमारी जो है ना पर्दी निकाल दे बाहर को, ठीक है, उसकी लैब जो है ना ऐसे ऊपर को हो जाएगी। फिर इधर भी फटे लग जाते हैं शटरिंग के, अच्छा, और दूसरी साइड पे भी लग के इसकी 3 इंच भी भराई हो जाए ना तो ये समझ लें कि आपका लोहा पूरी जिंदगी ये दर्ज नहीं पड़ेगी आपकी। आप उसी को बैंड करेंगे सरिये के ऊपर, बैंड दोनों साइडों पे फटे लगाएंगे, हाँ जी, फटे लगाकर सरिये मोड़ के हाँ इसको भराई कर देंगे, हाँ जी। यहाँ पे ईंटे नहीं लगाएंगे आप? नहीं नहीं ईंटे नहीं। अगर ईंटे लगाएंगे नाज़रीन ये देखें भाई, करीब आके दिखा दें थोड़ा सा, ये पहला रद्दा आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है जी। अगर बहुत से मिस्त्री जो नहीं जानते वो यहाँ पे लेंटर है एक रद्दा 9 इंची का लगा के ऊपर 4 इंची की दीवार कर देते हैं, पर्दा बन गया जी। क्या होता है यहाँ पे बहुत बड़ा क्रैक आ जाता है, जो सारी ज़िंदगी आपको आप कुछ भी कर लें, पेंट करवा लें जितनी मर्जी उसकी फिनिशिंग करवा लें, वो ख़त्म नहीं होगा। उसका हल ये है कि आप जब भी लेंटर डलवाएं वो सरिये जो हैं आपने 2 फुट 2.5 फुट जो है वो आगे की तरफ रखने हैं, रखने के बाद वो ही सरिये आप इस तरफ बैंड करेंगे सीधे, बैंड करने के ऊपर वो सरिये वाला ही कर देगा बैंड ऊपर की तरफ, उसकी आप दोनों साइडों पे फटे लगा के कंक्रीट से इसकी भराई कर देंगे और ये सारी ज़िंदगी क्रैक नहीं पड़ेगा। ओ अली भाई इसके अलावा भी कोई इसका हल है? इसके अलावा इसका एक ही हल है कि जब आपका लेंटर की भराई हो जाए उसी वक्त ये सरिये लाजमी है, पर
ये सर ये आपने लाजमी बढ़ाने हैं अपने लेंटर के बाहर, आपका जितना भी है 2 फुट शेड है, 2.5 फुट जितना भी है उसके बाहर ये 2-3 फुट होना चाहिए। ठीक हो गया। जिस दिन लेंटर आपने डलवा लेना उसके उससे फौरन अगले दिन, मिस्त्री कई होते हैं वो स्लो हो जाते हैं, हफ्ता हफ्ता छुट्टियां कर लेते हैं, फिर ये पर्दी नहीं भरने आते, यानी कि लेंटर डालने के बाद वो छुट्टी कर जाते हैं। जी 10 दिन बाद आते हैं, खोलेंगे तो तब देखेंगे। जब वो 10 दिन बाद आके ये भरेंगे, इसकी भराई होगी, फिर वो पर्दे वाला हिसाब है, फिर इसकी कोई पकड़ नहीं है। ठीक हो। अगले दिन मिस्त्री आए, मिस्त्री का यही काम है, यहाँ इधर वो ईंटें लगाए, यहाँ फटे लगवाए शटरिंग वालों से, हम भी शटरिंग का काम करते हैं, यहाँ ये फटे लगे हुए हैं, इस पर अपने निशान नजर आ रहे हूँ। ठीक हो गया। फटे दोनों साइडों पे लगाने हैं, 3 इंच कम से कम मोटाई इसकी जो है ना, उसकी आपने भराई करवानी है, उसके बाद ये सारी जिंदगी जो है ना आपके लेंटर जितनी इसमें ताकत है पर्दी में, और ये कभी भी ये दराड़ नहीं पड़ेगी इसके अंदर। नाज़रीन आपको समझ आ गया होगा कि पर्दा जो डिज़ाइन है आपका फ्रंट का, आपने जब भी वो बनाना है इस तरीके से बनवाएं, इसकी भराई जो है इस तरीके से करवाएं, तो आपके वो क्रैक नज़र नहीं आएगा। जैसा भी आप डिज़ाइन बनाएंगे वो इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी ऐसे ही चलता रहेगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम।